हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एस यू विद कमल चैनल में, जहाँ पे मैं आपके साथ स्टिचिंग ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ट्रेंडी लेयर्ड फ्रॉक का ट्यूटोरियल शेयर करूँगी, जिसे मैं लॉन्ग गाउन स्टाइल में बना रही हूँ। तो वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए, जिससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने रेयन फैब्रिक यूज़ किया, जो 5 मीटर है, और इस फैब्रिक की विड्थ जो है वो 44 इंचज़ है। तो मैंने ये वाला फैब्रिक यूज किया है। तो सबसे पहले जो है मैं टॉप पार्ट कट करूंगी, तो मैं उसके लिए फैब्रिक को ऐसे ही 4 लेयर में ही सेट करके बिछाऊंगी। तो अभी आप देख सकते हैं ये डबल है जो हमारी फैब्रिक है, तो हमें इसी तरह से फोल्ड करके सेट करके बिछा लेना है। और ऊपर से हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें सीधा कर लेना है और इसे कट कर देंगे हम अभी। ये जो फ्रॉक है मैं वो 50 इंचेस लॉन्ग बना रही हूँ, तो उसी के हिसाब से मैंने ये कटिंग मेजरमेंट आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप देख सकते हैं ये 4 लेयर्स हैं, जिसमें हम अपनी बॉडी और स्लीव के लिए फैब्रिक निकाल लेंगे पहले से ही। तो मैं जो बॉडी रेडी करूँगी, अपर बॉडी, वो मैं 15 इंचेस रेडी करूँगी। तो मैं 16 इंचेस पे मार्क लगा रही हूँ, जो कि सिलाई होने के बाद 15 इंचेस रेडी रहेगी। और मैं 5 लेयर्स कट करूंगी, जो मैंने 8 इंचेस कट की हैं, जो 7 इंचेस सिलाई के बाद रहेगी, जिसकी टोटल रेडी होने के बाद 35 हो जाएगी। और 35 में अगर हम बॉडी प्लस करेंगे तो ये रेडी 50 इंचेस रेडी होगा हमारा ये गाउन। मैंने अभी फैब्रिक को अलग कर लिया है, जिसमें हम स्लीव्स और बॉडी, अपर बॉडी कट करेंगे। सबसे पहले हम जो है हमारी लेयर्स कट करेंगे, तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को सिंगल कर लिया है। अभी हमें इसी तरह से इसे सिंगल फैब्रिक करके इसे हाफ से फोल्ड कर देना है और अभी हमें इसे सेट करके बिछा लेना है। हमें इसी तरह फैब्रिक को सेट करना है। तो मैं 8 इंच वाली लेयर कट करूंगी, तो मैंने इसी तरह 8 इंच पे मार्क लगाने हैं। तो हमें फ्रंट और बैक के लिए 2 लेयर्स कट करनी है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने डबल करके बिछाया हुआ है, खुली साइड इस तरफ है जो आप देख रहे हैं। और इन्हें मार्क पे हमें लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेना है। ये लेयर फ्रॉक 5 मीटर में भी बहुत ही हैवी लुक देगी, बहुत ही घेरदार बनेगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अभी हम इस दोनों लेयर्स को एक साथ करते हुए, जो हमें फ्रंट लेयर हमने कट करनी है, वो हमारी जो वेस्ट साइज होगा उसमें हमें 2 इंचेस प्लस करके कट करनी है। तो जैसे कि मैं ये जो है 36 इंचेस कट कर रही हूँ। तो इसी तरह हमें फैब्रिक को सेट कर लेना है बंद वाली साइड से, और खुली हुई साइड से हमें इसे कट कर देंगे। अभी हमारी फर्स्ट लेयर कट हो गई है, अभी हमें इसे एक साइड में रख देना है। अब हम फिर से फैब्रिक को सेट करके बिछाएंगे और हमें उसी तरह से 8-8 इंच पे मार्क लगा लेने हैं। मैं ये वाली लेयर्स जो है, जो भी मैं लेयर्स कट कर रही हूँ, वो मैं पहली वाली लेयर से 20 इंचेस प्लस करके कट कर रही हूँ। अगर आप डबल साइज में कट करना चाहते हैं तो आपको फैब्रिक जो है ज्यादा लेना पड़ेगा, तो आपको 7 मीटर कपड़ा जो चाहिए होगा अगर आप डबल साइज में लेयर कट करेंगे। तो मैं 2 लेयर्स कट करूंगी और एक मैं 1/2 इंच जितनी हमें चाहिए उसकी विड्थ, उतना ही कट करूंगी। जो हमने फर्स्ट लेयर कट की थी वो 36 इंचेस लॉन्ग थी, इसमें हमने 20 इंचेस प्लस कर लेने, तो अभी हमें 56 इंचेस हमारी लेयर चाहिए। तो ये जो फैब्रिक है वो 44 इंचेस है, तो हमें 44 में हमें 12 इंचेस प्लस करेंगे। तो हमने दोनों जो खुली हुई साइड से मैंने 12 इंचेस पे मार्क किया है और इन्हीं मार्क के ऊपर हम इसे कट कर लेंगे, जिससे जो है हमारी लेयर जो है 56 इंचेस हो गई है। और जो बाकी कपड़ा हमारा बचा है लेयर कट करने के बाद, वो भी हमारे काम में आएगा, तो भी हमें उस फैब्रिक को भी एक साइड पर रख लेना है। तो अभी हम जो है हमारी थर्ड लेयर कट करेंगे और थर्ड लेयर भी हमें इसी तरह फैब्रिक को सेट करके 8-8 इंच पे मार्क लगा लेने हैं। और इन्हीं मार्क के ऊपर हमें हमारी लेयर्स को कट कर लेना है। तो जैसे कि हमने हमारी सेकंड लेयर थी जो 56 इंचेस लॉन्ग कट की थी, और अभी जो हमारी जो लेयर हम थर्ड लेयर कट करेंगे, वो हम 56 में 20 इंचेस प्लस करके 76 इंचेस कट करेंगे। तो इसी
उसी हिसाब से मैंने एक और लेयर कट की है, क्योंकि हमारी दो लेयर्स जो हैं वो 44 इंच की हो गई हैं, तो 44 इंच में हमें प्लस करना है जिससे हमारी जो लेयर है वो 36 हो जाए। तो हमें 16 इंचेस फैब्रिक जिसका डबल करके 16 इंचेस पे मार्क लगाना है, जो कि ये खुलने के बाद 32 इंचेस ये वाली लेयर हो जाएगी। तो इसी तरह हमें जो मैंने दोनों फैब्रिक दो लेयर एक्स्ट्रा कट की थी उसमें से हमें 32 इंचेस लॉन्ग पीसेस को कट कर लेना है, हाफ से हमें 16 इंचेस फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को। तो अभी ये हमारी जो है थर्ड लेयर भी कट हो गई है। आपको लेयर के फैब्रिक को ऐसे ही अलग अलग फोल्ड करके रखना है, वरना आपको स्टिच करते टाइम परेशानी होगी। और इसी तरह अभी हम जो हमारी फोर्थ लेयर पे मार्क करेंगे, जो हमारी फोर्थ लेयर है उसके लिए भी हमें फोर लेयर ही फैब्रिक को कट करना है। तो इन्हीं मार्क के ऊपर अब हम हमारी फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो जैसे हमने हमारी थर्ड लेयर 76 इंचेस लॉन्ग कट की थी, उसी तरह से अब हम 20 इंचेस प्लस करके अभी हमें 96 इंचेस चाहिए। तो हमारी जो फोर लेयर्स तो इसमें जाएंगी, दो आगे अटैच होंगी और दो पीछे, और इसमें जो हमने लेयर्स कट करके फैब्रिक बचा था वो ये वाला फैब्रिक 9 इंचेस था, तो अभी हम ये वाला फैब्रिक यूज करेंगे। तो अभी हमारी फोर्थ लेयर की भी कटिंग हो गई है। इस तरह से जो हमारे पीसेस बच रहे थे लेयर्स में वो भी हमारे यूज में आ जाएंगे। अभी हमें सेम वैसे ही 8-8 इंच पे मार्क लगा के हमारी लेयर्स की मार्किंग कर लेनी है। अभी हमें 116 इंचेस लॉन्ग हमारी लेयर को कट करना है। तो अभी हमारी ये फोर लेयर्स हैं जो टोटल दो आगे लगेंगे और दो पीछे, जिससे 88 इंचेस हो गई है। तो अभी हमें 36 इंचेस लॉन्ग दो पीसेस हम इसमें अटैच करेंगे। और अभी हम जो है हमारी ये अपर बॉडी कट करेंगे, जिसके लिए मैंने 16 इंचेस लॉन्ग पीस कट किया था और इसमें मैंने डबल करके रखा है, मैंने 22 इंचेस फोल्ड किया था। तो अभी मैं तीरा मार्क कर रही हूँ जो मैं 7 इंचेस पे रख रही हूँ। और इसी तरह मैंने जो शोल्डर की लेंथ भी वो 7 इंचेस ही कट की है, और इसके हाफ से यानी कि 3.5 इंच पे हमें मार्क लगाना है। और बैक पीस की काट के लिए मैंने 1.5 इंच पे मार्क लगा के हमें शेप ड्रॉ कर देनी है। और फ्रंट काट के लिए हमें 1.5 इंच पे मैंने 4 पॉइंट की मार्क लगाई है, और इसी तरह हमें शेप ड्रॉ कर देनी है। और मैं इसमें प्लेट्स भी डालूंगी सेंटर में, तो हमें जो है ऊपर मार्क लगा लेना है और नीचे हमें 3.5 इंचेस मैंने विड्थ वाइज मार्क लगाए हैं और 11 इंचेस मैंने ऊपर की साइड से मार्क लगाया है। और इसी तरह लाइन लगा के मैं 1 इंच जो है इसमें मार्जिन दूंगी सिलाई करते टाइम। तो इसी तरह हमें मार्क लगा लेने हैं। मैंने ये मार्क आपको सीधी साइड लगा के दिखाए हैं, आपको ये फैब्रिक के उल्टी साइड लगाने हैं ये वाले मार्क। अभी हमें सेंटर से 5.5 इंच पे मार्क लगाना है और साइड से मैंने 1 इंच पे मार्क लगाया और एक शेप ड्रॉ कर देनी है। आपको इतने से ही एरिया में ये गुलाई देनी होती है फ्रॉक जब आप बनाते हैं। तो ये हमारी फिटिंग के मार्क हैं। और अब इन्हीं मार्क के ऊपर हमें हमारी जो अपर बॉडी है इसे कट कर लेना है। तो हमारी बॉडी जो है कट हो गई है अपर बॉडी, और अभी हम इसकी स्लीव्स भी कट करेंगे। मैंने जैसे इस फ्रॉक के लिए 5 लेयर्स यूज़ किए हैं, आप 2 या 3 भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको उतना ही लेंथ वाइज उसे डिवाइड करके अपनी कटिंग विड्थ निकाल लेनी है। आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मैंने स्लीव के लिए फैब्रिक को 10 इंच के लिए टोटल 20 इंचेस लिए हैं, जो हाफ से मैंने 10 इंच पे फोल्ड किया है। और मैंने जो इसकी स्लीव की काट है वो मैंने 3 इंचेस पे मार्क लगाया है, और इसी तरह से हमें शेप दे देनी है। और फ्रंट के लिए जो है मैंने 4.5 इंच पे मार्क लगाया और इसकी शेप हम 1 इंच की डीप देंगे। तो इसी तरह से हमें ये मार्क लगा लेने हैं। और आगे से ये जो स्लीव मैं ऐसे ही रखूंगी खुली, तो मैंने इसी लिए इसे इसी तरह से कट कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी कटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। और अगर आप लेयर मेजरमेंट निकालना चाहते हैं, कम से ज़्यादा लेयर बनाना चाहते हैं फ्रॉक में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी फ्रॉक का स्टिचिंग ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।